Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So today's video will be what's in my bag video, जिसमें दो parts होने वाले हैं. First part में मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं चीजें अपने college में carry करती हूँ अपने बैग के अंदर, और जो second part होने वाला है it will be of the products that I carry when I go out with my friends just to hang out or for some party. तो दो पार्ट्स में होने वाले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दो, और साइड में एक नोटिफिकेशन बेल होगी उसे भी क्लिक कर दो सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम आई विल अपलोड एनी वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दी कॉलेज बैग, जो है ये ग्रे कलर का बड़ा सा टोट बैग जो मैंने सरोजनी नगर मार्केट से परचेज किया था. सो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो टू, मेरा सरोजनी नगर का अगर आपको हॉल देखना है या फिर गाइड वीडियो देखना है तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो टू. तो चलिए इसमें से रैंडमली पिक करते हैं क्या क्या चीज़ें मैंने आज कैरी की थी कॉलेज में. जनरली तो सेम ही होता है, जस्ट दी टाइम टेबल चेंजेस, सो उसके अकॉर्डिंग बुक्स चेंज होती है, वरना दीज आर द थिंग्स दैट आई रेगुलरली कैरी. आई विल जस्ट पिक आउट द थिंग्स रैंडमली. तो अभी मैंने आज सिर्फ अपना लंच बॉक्स एंड बॉटल निकाल दी थी जो मैंने वापस उसमें डाल दी है, बाकी की चीज़ें बिल्कुल एज इट इज इसमें वैसे ही हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स आउट इज माई लंच बॉक्स जो कि है सेलो ब्रांड का, एंड आई वॉन्टेड अ थिन लंच बॉक्स जो कि ज़्यादा मेरे बैग की स्पेस ना घेरे, तो ये छोटा सा लंच बॉक्स है, मतलब पतला है इसका साइज. एंड इन साइड यू विल गेट 2 राउंड बॉक्सेस, एंड ये जो स्पून है ये एक डेजर्ट स्पून है, जो कि इसमें तो एक प्लास्टिक की दो आई थी, एक स्पून और एक फॉक, बट जो मेड थी उसने वो गलती से डिस्पोजेबल स्पून और फॉक समझ के उसे फेंक दिया. सो आई हैव जस्ट पुट द डेजर्ट स्पून इन दिस स्टील वाली, एंड आई हैव दीज 2 बॉक्सेस हेयर. सो दिस इज माई लंच बॉक्स. दूसरी जो चीज़ मेरे हाथ में आ रही है वो है दिस वाटर बॉटल. So this one is again by Cello, and this keeps water warm during winters. तो अगर मैं इसमें गर्म पानी भरती हूँ तो वो उसी टेम्परेचर का रहता है, तो ये टेम्परेचर मेंटेन करती है बॉटल, अप टू 24 आवर्स तक ये टेम्परेचर मेंटेन करती है. सो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू कैरी. अगर मैं समर्स में कैरी करती हूँ तो ये पानी ठंडा मैं इसमें रखती हूँ तो वो ठंडा रहता है, और विंटर्स में अगर मैं पानी गर्म रखती हूँ तो वो गर्म ही रहता है. सो दिस इज़ क्वाइट कन्वीनियंट. बहुत ही बल्कि हो जाती है, बट ये ऐसी कन्वीनियंस दे रहा है कि ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, दैट्स व्हाई आई कैरी इट. उसके बाद है मेरे पास ये 2 नमकीन के पैकेट्स विच आई परचेज फ्रॉम माई कैंटीन टूडे इटसेल्फ. तो ये मैंने फर्स्ट टाइम बिकानो के ये लेमन हिट नमकीन देखा, तो आई टेस्टेड इट एंड आई क्वाइट लाइक इट. दिस इज 14 रुपीज ईच, सो आई जस्ट बॉट इट. दीज आर 2 पैकेट्स. उसके बाद आई हैव डिओड्रेंट विच इज़ बाय लेयर वाटरगर्ल, एंड दिस इज इन द फ्रेगनेंस सीक्रेट क्रश. So this is the deodorant I use regularly for myself. Then I have a comb, a muffler, because मैं सुबह रिक्शे से जाती हूँ, so I need a muffler. बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा हवा लगती है फेस पे, that's why I carry a muffler. फिर है मेरे पास एक random card, I don't know किस चीज़ का है, clutcher, सम टिश्यू पेपर्स. रैंडमली मेरे बैग से जो चीज़ें निकल रही है दैट आई एम शोइंग टू यू. फिर देख लेते हैं मेरी कोर्स की बुक जो आज क्लासेस थी. फर्स्ट इज मैरी शेलीज फ्रैंकेस्टीन, फर्स्ट बुक ये है. नेक्स्ट वन इज जेन ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस. Because I am a literature student, so I have to carry these novels which are in my course this semester. So these 3 are the ones which had their classes today. This one is The Way of the World. Then I carry a small diary in which I write all the important things. Then next up I have some wrappers. और कभी हमें थ्रो नहीं करना चाहिए बाहर कुछ दिखा के, सो आई ऑलवेज स्टफ दीज रैपर्स इनसाइड माय बैग, और मैं जब भी घर आती हूँ तो मैं इसे डस्टबिन में फेंक देती हूँ. आपको भी यही फॉलो करना चाहिए, बाहर गंदगी नहीं मचानी चाहिए. सो दीज आर दी रैपर्स ऑफ चॉको स्टिक, जो कि चॉकलेट फ्लेवर की स्टिक्स होती हैं, जो जिससे मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हूँ और मैं रोज़ एक या 2 तो ज़रूर खाती हूँ. फिर है ये रैंडम नोट्स, या इट्स जस्ट अ देन आई हैव माई वॉलेट जो कि है ये ग्रीन कलर का विद एन आईफिल टावर एम्बलिशमेंट ओवर हेयर एंड अ डूडल print going over at the back. I don't think you can see it. Yes, you can. Yeah. और इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है. तो इसके अंदर थोड़ा बहुत कैश पड़ा हुआ है और इसमें बीच में पार्टीशन है जिसके अंदर मेरा कॉलेज का आईडी कार्ड है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है. Then what do I have? Okay, I have my library card and few receipts. Yeah, few receipts. So ये हैं चीज़ें मेरे वॉलेट के अंदर. फिर okay, तो इसमें से फोटोग्राफ्स गिर गई हैं. मेरी दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी हैं which can be used any time if needed. और फिर है ये पाउच जिसके अंदर मेरे पेन्स पेंसिल्स हैं और मेरा एडमिट कार्ड है. These are the things. फिर बचा है इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है एक स्मॉल क्लचर. सो या माई बैग इज़ एम्प्टी नाउ. एज यू कैन सी एक टॉफ़ी भी पड़ी है जो कि आ गई होगी चेंज बिकॉज दे डोंट शॉपकीपर्स डोंट गिव चेंज. दे जस्ट गिव अ ₹1 टॉफ़ी व्हेन देयर इज़ अ ₹1 चेंज लेफ्ट विद देम. सो माई बैग इज़ एम्प्टी. So these are all the things that I carry to my college regularly. कुछ चीज़ें ज़रूर change हो जाती हैं but these were the things that I carried today. So yeah, now let's see what I have in my bag which I carry whenever I hang out with my friends or go for any party. So this one is the bag which I carry generally, which is in yellow and white color. ये bag था जो मैंने last time actually carry किया था. Otherwise I have other bags too, just जो match करता है outfit के साथ वो of course हम carry करते हैं. So it has got this really pretty star charm hanging and I really like this structured bag in yellow and white combination, quite different from the normal bags. तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं. So the first thing is this small pouch which has my earphones. तो इसके अंदर earphones हैं. Then आई हैव प्लेइंग कार्ड्स जो कि बहुत रैंडम सी चीज़ है. लास्ट टाइम मैं जब गई थी हैंग आउट करने के लिए तो हम एक कैफेटेरिया में गए थे तो वहाँ पे हम बैठ के कार्ड्स खेल रहे थे. मुझे प्लेइंग कार्ड्स ब्लफ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है. पैसे लगा के जुआ खेलना नहीं बट नॉर्मली फॉर फन. सो दीज आर दोज कार्ड्स. फिर है मेरा वॉलेट जो कि ये हैना मोंटाना प्रिंट का है. ये छोटा वॉलेट मैं जनरली कैरी करती हूँ व्हेन एवर आई एम कैरिंग दिस स्मॉल बैग. वैसे मेरा अदरवाइज वो ये वाला वॉलेट है जो मैंने अपने कॉलेज वाले बैग में दिखाया था. सो इन दिस आई डोंट थिंक कि कुछ है अभी पैसे वैसे. देख लेते हैं क्या है. एक पॉकेट तो बिल्कुल खाली है, उसी में देखते हैं. ओके, आई हैव माई मेट्रो कार्ड एंड दिस रैंडम रिसिप्ट कहाँ की है पता नहीं. ओके, ये मेट्रो कार्ड रिचार्ज करने वाली ही रिसिप्ट है जो मैंने लास्ट टाइम करवाया होगा. एक कॉइन पड़ा हुआ है और पड़ा हुआ है ये IPL का टिकट जो कि मैंने मैच देखा था अप्रैल में या मई में. कब देखा था? अप्रैल में ही देखा था. सो वो वाला टिकट पड़ा हुआ है. मैं क्या करती हूँ जो भी मेरा कैश होता है इस छोटे वाले बैग में, ये मैं वापस उसी बैग में रख लेती हूँ बिकॉज अगर कहीं मिस ना हो जाए चीज़ें. फिर नेक्स्ट है मेरे पास ये वाटर बॉटल छोटी सी. ये छोटा सा बैग है तो इसके अंदर छोटी सी ही वाटर बॉटल आई. सो आई ऑलवेज प्रिफर टू कैरी माई ओन वाटर बॉटल. तो ये छोटी सी वाटर बॉटल इसमें आ जाती है तो मैं ये बिस्लरी वाली वाटर बॉटल ही कैरी करती हूँ. अगर बड़ा बैग होता है तो आई कैरी दी वाटर बॉटल साइज अकॉर्डिंग टू दैट. उसके बाद है मेरे पास ये फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर फ्रॉम मेबेलिन. तो ये है मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर. थोड़ा सा टचअप वगैरह करना होता है व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर अ पार्टी और हैंग आउट. तो ये है कॉम्पैक्ट पाउडर. फिर है हैंकी. Then I have a comb. फिर है ये लिपस्टिक जो कि है यूरोप गर्ल पेरिस की जो कि मैंने एक गिव अवे में जीती थी. एंड दिस इज इन द शेड रूबी वू. बहुत ही प्रिटी सी ये लिपस्टिक है. डार्क रेड ही इसका शेड है. सो दिस इज द शेड डिफरेंट फ्रॉम विच आई एम वेयरिंग टुडे. ये थोड़ा सा और ज़्यादा बोल्ड है, थोड़ा और ज़्यादा डार्क है. सो दिस इज़ द लिपस्टिक. ये जो भी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ वो मैं कैरी कर ही लेती हूँ बिकॉज रहती है वरना वो काफ़ी फेड हो जाती है. फिर है ये छोटा सा परफ्यूम का सैम्पल जो कि एक मेरे कज़न ने दिया था. तो बिकॉज ये छोटा सा बैग है तो आई कांट कैरी अ बिग परफ्यूम, तो ये छोटा सा ही मैं कैरी कर लेती हूँ जो कि अभी ऑलमोस्ट ओवर है। और मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं एंगेज का जो पॉकेट डिओड्रेंट होता है वो मैं परचेज कर लूँगी सो दैट आई कैन कैरी इट इन माई स्मॉल बैग्स। फिर है मेरे पास एक ये हेयर टाई, वॉट एल्स, दीज सॉफ्ट फेस टिश्यूज, आई थिंक दैट्स इट। ओके, आई ऑल्सो हैव दिस मिरर, तो जस्ट टू अप्लाई लिपस्टिक और समथिंग आई हैव दिस मिरर जो कि है ये दो, इसमें ये हैं दो मिरर्स हैं। अदरवाइज जो ये कॉम्पैक्ट है इसमें भी मिरर है तो मैं दोनों कभी कभार कैरी कर लेती हूँ। सो विद दैट माई बैग इज एम्प्टी। मेरा पार्टी वाला बैग जो हैंग आउट वाला बैग है वो भी एम्प्टी हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये थी मेरी दोनों जो बैग्स जो मैं कैरी करती हूँ जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ या फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट के लिए जाती हूँ, दोनों मैंने आपको दिखा दिया व्हाट्स इन माय बैग। मैंने एक थोड़ी डिफरेंट सी चीज़ ट्राई की थी। आई रिक्वेस्ट चाहती थी कि आप सिर्फ हिंदी में बोला करो या इंग्लिश में बोला करो, तो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना दोनों को मिक्स कर दिया जाए, जो कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था बट आई जस्ट ट्राइड और आई थिंक कि धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो या दैट्स इट, आई होप यू एंजॉयड इट। आपको ये दूसरा मेरा वे पसंद आया होगा, अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना। एंड या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।